अक्सर गांव जवार के बूढ़ बुजुर्ग लोग एगो बात कहलन कि 100 में 80 बेईमान फिर भी हमार देश महान। तो नमस्कार, हम बानी जीत कुमार और रमा सब चालू कर दिल बानी न्यूज तक भोजपुरी देखे। दरअसल आज हम बात कर बनी एगो ऐसा फिल्म जौना फिल्म के नाम बा मेरा भारत महान। ए फिल्म के फाइनल ट्रेलर के रिलीजिंग डेट आ चुकल बाटे, तो आखिर कब होई कितने होई सब कुछ बतावे ला बनी। बाकी वो काम करी, चैनल बनाए बनी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन घंटी जरूर दबाई। बाकी संग मित्र और दोस्त संग भी करा के शेयर कर जी जौना फिल्म के नाम बा मेरा भारत महान। एक्चुअली आ मेरा भारत महान इ फिल्म बन के पूरा रूप से तैयार रहल हवे और बहुत दिन से अटकल लगावल जात रहल कि अब रिलीज होई, अब रिलीज होई, अब रिलीज होई। मतलब ये 15 फरवरी के और 16 मतलब 26 जनवरी के ये फिल्म रिलीज होखे वाला रहे, लेकिन ना जाने काहे ना भइल, एकर कोनो भी हमार लगे पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन अब ये फिल्म के फाइनल रिलीजिंग डेट आ चुकल बटे, वो ट्रेलर वाला फिल्म हमारा हो जाता है कि शायद होली होली पर रिलीज कर जाओ, लेकिन अभी तो इस तरह के कोनो चर्चा नहीं है। अब कब हुई कब ना हुई फिल्म के बारे में तनिको ना बता सकें। दरअसल फिल्म के ट्रेलर रिलीज कर ली 10 तारीख के, हाँ 10 तारीख के वर्ल्ड वाइड पर रिलीज कल जाए। दरअसल बता दी कि फिल्म के निर्माता बानी विपुल राय और फिल्म के डायरेक्ट कैले बानी देवेंद्र तिवारी। अब देवेंद्र तिवारी ये फिल्म के कितना सुघर कितना कमाल के बनैले हो खम उतर हुआ लोग जब ट्रेलर देखम तो खुद ब खुद कुछ ना कुछ स्पष्ट तो हो ही जाए। दरअसल बता दी कि फिल्म में स्टार कास्ट में रहा लोगों के पवन सिंह और रवि किशन के एकदम से जुगलबंदी वाला जोड़ी दिखाई दी। अब देख बटे कि एक जाना कोर्ट रूम के वकील के रोल में शायद रवि किशन दिखाई दी, वो जगह में पवन सिंह शायद समाज के सुधारक के रूप में दिखाई दिहन कि समाज में हो तो कैसे गंदगी के दूर करिहन, के तरह के केहू बम ब्लास्ट करी ओकरा के दूर करिहन। मतलब अलग अलग टाइप के एगो प्रोपेगेंडा समझ जाई, सही सुनतन जा एगो प्रोपेगेंडा समझ जी। अब हम नाम नाम धर्म आखिर कैसन प्रोपेगेंडा का है का ना, ये ट्रेलर रहो लोगों के रिलीज हुई तो हम रिव्यू करके बता देंगे आखिर फिल्म में का बाटे। तो सर बता दी कि फिल्म के ट्रेलर रिलीज कर ली 10 तारीख के वर्ल्ड वाइड पर सुबह सुबह 6 बजे, हाँ सुबह सुबह 6 बजे ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुई। तो असल में स्टार कास्ट में पवन सिंह, रवि किशन, डिंपल सिंह और अंजना सिंह और मणि भट्टाचार्य जैसे स्टार कास्ट भी ये फिल्म में दिखाई दी हन और एक एक दिखाई दी। जब ट्रेलर रिलीज हुई तो सब कुछ पता चल जी, बस देखत रही जा न्यूज़ तक भोजपुरी। बाकी हम जीत